आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की, यानी कि चिपको मूवमेंट की। भारत में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समय समय पर आंदोलन चलते रहे हैं। लगभग 300 वर्ष पूर्व राजस्थान के खेजड़ी गांव के विश्नोई समाज के लगभग 300 लोगों ने जोधपुर की शाही सेना के द्वारा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। और इस जो खेजड़ी गांव में जो ये आंदोलन चला था, उसको अमृता देवी जी ने नेतृत्व उसका संभाला था। इसी प्रकार से सन 1930 में कई जगहों पर कृषकों और वनवासियों ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जंगलों को नष्ट करने के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में 1970 के समय चिपको आंदोलन चलाया गया। चिपको आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के सिद्धांत पर आधारित था, और यह आंदोलन मध्य पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में चलाया गया। सीमा सुरक्षा द्वारा सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से वहाँ पर भूस्खलन और मृदा अपरदन, यानी कि लैंडस्लाइडिंग और सॉयल इरोजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थीं। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वन संरक्षण के लिए चलाया गया था, और इस आंदोलन की शुरुआत चमोली जिले के मंडल गांव में 27 मार्च 1973 को हुई, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद की एक खेल का सामान बनाने वाली कंपनी को अंगू के वृक्षों को काटने की अनुमति दी थी। अंगू वृक्ष चमोली जिले के ग्रामवासियों के जीवन का आधार रहा है। यह वृक्ष बैलों का जुआ बनाने के काम आता है और पारिस्थितिकी संतुलन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। गांव वालों के लिए वन विभाग ने इस वृक्ष के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए ग्रामवासियों ने सरकार के निर्णय को यह कहकर चुनौती दी थी कि अगर पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी वाले आए, यानी कि जो ठेकेदार आए, तो हम पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करेंगे। इस आंदोलन को उस समय उस क्षेत्र में बढ़ते हुए भूस्खलन और मृदा अपरदन ने बल प्रदान किया, और गंगा नदी की एक धारा अलकनंदा में बाढ़ आ जाने से जन और धन की अपार हानि हुई। अनेक गांव धंसने लगे और भूस्खलन के कारण अनेक लोग दबकर मर गए। इससे चिपको आंदोलन को एक नई दिशा मिली। लोगों ने इस तथ्य को समझा कि भू संरक्षण और भूस्खलन, इनको रोकने के लिए वृक्षों का अत्यधिक महत्व है, और इसी से प्रेरित होकर के वर्ष 1974 में रेड़ी गांव के महिलाओं ने ठेकेदार के पेड़ काटने वाले श्रमिकों को जंगल में खदेड़ दिया। अगस्त 1974 में उत्तराखंड सर्वोदय परिवार ने नदियों के उद्गम स्थलों पर हरे वृक्षों की कटाई रोकने की मांग की। चिपको आंदोलनकर्ताओं ने सितंबर अक्टूबर में चीन के वृक्ष काटने के विरोध में धरने दिए और उपवास दिए। यहाँ की जो महिलाएं थीं, उन्होंने जो नारा दिया था, वो इनका नारा ये था कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन में महिलाओं का योगदान सबसे अधिक रहा। फरवरी 1978 में आदिवासी महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर ठेकेदार और पुलिस को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, और इस प्रकार 6 वर्षों के बाद चिपको आंदोलन स्थायी अर्थव्यवस्था का सशक्त आंदोलन बन गया। इस आंदोलन ने वृक्षों की कटाई 10 से 25 वर्ष तक बंद करने की मांग की, जिससे हिमालय का 60% क्षेत्र वनों से ढक जाए।
अच्छा, इसी कड़ी में 1974 में जब वन विभाग ने पर्ग मरेंदा जंगल का एक भाग नीलाम किया, तो उस क्षेत्र के स्वयंसेवी लोगों ने आंदोलन चलाया और वृक्षों से चिपक कर उन्हें ठेकेदारों से बचाया। हालांकि ठेकेदारों ने पुलिस की मदद से इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहा, परंतु आंदोलनकारियों के घोर विरोध के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। जिस समय चिपको आंदोलन चला था, उस समय जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तो अंततः आंदोलन की गहनता ने राज्य सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया और यह अनुभव किया कि हिमालय क्षेत्र के वनों का संरक्षण किया जाए। चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर के ही उत्तरी कर्नाटक के ग्रामीणों ने युवक मंडली के निर्देशन में पेड़ों और वनों की कटाई को रोकने के लिए एपिको आंदोलन चलाया था। एपिको शब्द जो है वो कन्नड़ भाषा का शब्द है जो चिपको का ही पर्यायवाची है। यह आंदोलन अगस्त 1983 में शुरू हुआ तथा पूरे एक माह 8 दिन तक चला। इसके जो प्रणेता थे यानी इसके जो नायक थे वो पांडुरंग हेगड़े थे और इनका नारा था उल्लिसु बेलेसु मत्तु बलिसु। ये कन्नड़ भाषा का नारा है। इसका अर्थ होता है कि बचाओ बचाओ और काम में लाओ। तो ये एपिको आंदोलन जो था आगे चल करके इस आंदोलन के लिए श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही आमंत्रित किया गया कि वो इसका नेतृत्व संभाले। इस आंदोलन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण नेता थे उनमें गौरा देवी जी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जी, चंडी प्रसाद भट्ट, सरलाबेन और मीराबेन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गौरा देवी जी की बात करें तो गौरा देवी जी को चिपको विमेन भी कहा जाता है और इनको इस चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। इनका जन्म 1924 में उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था। गौरा देवी जी ने 1974 में देवदार के 2400 काटने हेतु चिन्हित वृक्षों का विरोध किया था और पेड़ों की रक्षा करने का अभियान चलाया था। तो इसी वजह से इनको चिपको आंदोलन की जननी कहते हैं और इनका निधन 4 जुलाई 1991 में 66 ईयर्स की एज में हो गया था। अब जो है हम बात कर रहे हैं श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी की, जो कि दूसरे नायक हैं चिपको आंदोलन के। तो श्री भट्ट का जन्म 23 जून 1934 को चमोली जिले में, उत्तराखंड का ही जो चमोली जिला है उसके गोपेश्वर गांव में हुआ था। श्री भट्ट जी ने दशोली ग्राम स्वराज सभा इस संस्था का निर्माण 1964 में गोपेश्वर में किया था और ये इसके माध्यम से गरीब गांव वालों के कल्याण का कार्य करते थे। बहुत से ग्रामवासियों को अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार भी इस संस्था के माध्यम से उपलब्ध हुए थे। इन्होंने जब चिपको आंदोलन में जो था, इनका जो दासोली ग्राम स्वराज मंडल है ये बाढ़ राहत कार्यों से भी लगा हुआ था और जब वर्ष 1977 में अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी तो उस समय इन लोगों ने ये पता किया था कि बाढ़ का जो मुख्य कारण है वो वनों का विनाश ही है। तब उन्होंने लोगों को वनों का महत्व समझाया, उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना शुरू किया और फिर उस समय 12 से 15 दिसंबर 1972 को उत्तरकाशी और गोपेश्वर में वनों को ठेकेदारों से बचाने के लिए एक ऐतिहासिक जुलूस निकाला गया। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को ठेकेदारों से और जो भी लकड़हारे थे उनसे उनको जो है पेड़ों को बचाया था। श्री भट्ट के इन सब कार्यों को देखते हुए वर्ष 2013 में गांधी शांति पुरस्कार से, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया
और वर्ष 2015 में एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान भी इनको मिला और इनको 2015 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं जैसे पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती एक, अधूरे ज्ञान और काल्पनिक विश्वास पर, हिमालय से छेड़खानी घातक, प्रतिकार के अंकुर, सामाजिक कार्यकर्ता की चुनिंदा यात्राएं, और इनकी और एक पुस्तक है जो है इकोसिस्टम ऑफ सेंट्रल हिमालयाज एंड फ्यूचर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट्स इन द हिमालय। तो ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी की अगर बात करें तो श्री बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था और इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिल्यारा गांव में हुआ था। ये चिपको आंदोलन के मुख्य नायक थे। श्री बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल जी के सहयोग से सिल्यारा गांव में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। श्री बहुगुणा जी के कार्यों को देखते हुए वर्ष 1981 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद वर्ष 1986 में इनको जमुना लाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ चिपको आंदोलन के लिए इनको राइट लाइवलीहुड पुरस्कार वर्ष 1987 में दिया गया और इसके बाद वर्ष 2009 में श्री बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें जो प्रमुख पुस्तक है वो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस एंड ह्यूमंस एट रिस्क और जो इनकी दूसरी पुस्तक है वो है इंडियन एनवायरमेंट मिथ एंड रियलिटी और इस पुस्तक में इनके जो सह लेखक हैं वो वंदना शिवाजी हैं और मेधा पाटेकर जी हैं जो एक बहुत दोनों ही प्रख्यात पर्यावरणविद हैं।